हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदितास फैमिली। कैसे हो? आज ना मैं सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत सुबह से, ठीक है। और देख रहे हैं आप, देख सकते हो कितना अच्छा एटमॉस्फेयर क्या है, बारिश हो रहा है। बारिश होने से ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी आ गया था, क्या बताएं। बारिश होने से ना थोड़ा राहत है, और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है जो कि एकदम मनमोह टाइप है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए कुछ स्पेशल हिमाचली डिश, बहुत डिलीशियस रेसिपी है। ये लंच का थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ, जो लंच में बनाई थी, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट हो गया मेरा सुबह का काम। जस्ट उठ के मुँह धो के आ गई हूँ किचन में, क्योंकि उठ के ही मेरा काम किचन में होता है। सुबह मुझे टिफ़िन बनाना होता है इसीलिए, ठीक है। और मैं मुँह कैसा फुला फुला लग रहा है, देख रहे हैं, जैसे मुँह फुला के गुस्सा से हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने सुबह उठते ना, मुझे बिल्कुल भी किसी से बात करने का या कुछ ऐसा मन नहीं होता है, एकदम चुपचाप अपने काम करते रहो, बस वही अच्छा लगता है। एक घंटा आधा घंटा बाद फिर मेरा मुंह खुलता है, जो दिन भर चलता रहता है बच्चों के पीछे। तो यहाँ पे ना मैं सुबह जो है बर्तन सारा सेट कर ली, क्योंकि रात को मैं बर्तन सारा धो के ही रखती हूँ। और पिछले दिन ना दूध थोड़ा सा बच गया था, तो उसका मैं पनीर रात को ही सेट करने के लिए रख दी थी। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पीस उसका निकल गया है। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, उसके साथ ना मैं गाजर और कैप्सिकम वो फ्रिज से निकाल लूँगी, उसका भी कट कर लूँगी। और सुबह ना बहुत ही ज़्यादा हेटेक रहता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है और लंच बॉक्स भी, इसीलिए। तो ये देखिए गाजर कैप्सिकम को मैं छोटा छोटा टुकड़ा काट लूँगी, और मैं ना बिना प्याज लहसुन का बनाने जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। तो फिर मैं सोची कि ना प्याज व्याज डालूँगी, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च अदरक और हरी मिर्च और टमाटर काजू इतना को मैं अच्छे से पेस्ट बना दूँगी, फिर सब्ज़ी बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, मैं बोलते बोलते थक गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पनीर की सब्ज़ी और रोटी दोनों ही बनके तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट हम टिफ़िन पैक कर लेते हैं।
वेलकम बैक टू माई चैनल निवेदिता फैमिली। कैसे हो सब? हो गया, बहुत दिन हो गया ना, मुझे जो वीडियो है वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था, ऐसे ही थोड़ा सा बिजी थी बच्चों लोग का एग्ज़ाम के वजह से, उसके बाद घर का कामों में बिजी रह गई हूँ। अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है लेकिन फिर घर का काम में थोड़ा सा बिजी रह गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो ना पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज सुबह से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी, उठ के ही मैं अपना जो टिफ़िन और ब्रेकफास्ट जो भी मैं बनाई वो सारा आपके साथ शेयर किया। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और लंच जो है आधा अधूरा बना है, और मैं सोची कि थोड़ा वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ। नहाना धोना, घर का काम, जितना भी बेसिक काम होता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, वो सारा हो चुका है, घर एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। अभी मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही थी, सोची कि थोड़ा ऑन कर दूँ। और बाहर लगा है बारिश, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना दिन बाद बारिश हुआ ना, तो एकदम एटमॉस्फेयर जो है ठंडा ठंडा हो गया है, अभी अच्छा लग रहा है। नहीं तो इतना गर्मी यहाँ पे हो रहा था ना, बापरे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, अभी थोड़ा सा रिलैक्स है। और दो दिन हो गया, दो तीन दिन से हमारा जो बारिश है, बारिश हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट नहीं अब तो एंड हो चुका है ब्लॉग। किचन में आ गई हूँ और ऑलरेडी मैं चावल और दाल वो चढ़ा दी हूँ, ऑलमोस्ट बन चुका है, ठीक है, उसका तड़का लगाना बाकी है। और यहाँ पे ना ये देखिए, ये एक हिमाचल का बहुत फेमस और स्पेशल डिश है, पतेड़ू बोलते हैं इसको, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया है। तो इसका मैं फ्राई करूँगी तेल में, इसका गरम गरम बहुत टेस्टी लगता है, इसको बनाऊँगी। और कुमड़ा नहीं, कद्दू ही कुमड़ा, और सारा सब्जी जो भी सब्जी है ना, सारे को मिला के मैं एक मिक्स वेज टाइप बना दूँगी, संतोड़ा बोलते हैं वो बना दूँगी, और दाल हो जाएगा, और कुछ नहीं बनाऊँगी। ऐसे ना बारिश के टाइम ना कुछ गरम गरम पकौड़े टाइप हो जाए ना, तो और कुछ चाहिए नहीं होता है। तो बस यही होगा आज का लंच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं दाल का छौंक लगा ली, और ये रहा सब्जी, इसमें है गाजर, कुमड़ा, बैंगन, बीन्स, जो भी मेरे पास अवेलेबल था, और जो गोभी है ना फूल गोभी उसका डंठल वो भी डाल दी हूँ। इसको एक टमाटर और एक मुट्ठी जितना चना दाल वो डाल के मैं एक सीटी लगा दूँगी, एक ही सीटी लगाऊँगी, बहुत ज़्यादा वो ओवर कुक नहीं करूँगी। उसका लहसुन और पंचफोड़न उसका तड़का लगा दूँगी, बस थोड़ा सा तेल में, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप डाइट पे हो ना, वेट लॉस जर्नी में हो, तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो रोटी के साथ खाने के लिए। तो चलिए इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। आज का लंच। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव।